नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का टेक्निकल जीनियस चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों अगर आप लोगों का पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अगर आपका अकाउंट है और दोस्तों आप लोग चाहते हो कि पंजाब नेशनल बैंक का जो है मोबाइल एप्लीकेशन यूज करना, यानी कि दोस्तों मोबाइल बैंकिंग यूज करना चाहते हो पंजाब नेशनल बैंक का, यहाँ पे देखो ये पीएनबी वन एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को अगर आपको यूज करना है तो दोस्तों उसके लिए आपके पास जो एटीएम कार्ड होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक का जो वन एप्लीकेशन है इसके अंदर लॉगिन करने के लिए। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है पंजाब नेशनल बैंक का और फिर भी दोस्तों अगर आप लोग पीएनबी वन एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो तो कैसे इसको यूज करोगे, कैसे इसको लॉगिन करोगे बिना डेबिट कार्ड बिना एटीएम कार्ड के माध्यम से, कैसे इसके अंदर आप लॉगिन करोगे वो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों को ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। लेकिन दोस्तों उससे पहले कहना चाहूंगा अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पीएनबी वन एप्लीकेशन को कैसे हम लॉगिन करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो मैं अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको पीएनबी वन एप्लीकेशन को ओपन करना है। इस एप्लीकेशन का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आपको प्रोसीड टू लॉगिन और ओपन अकाउंट। आपको दोस्तों प्रोसीड टू लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको न्यू यूजर का ऑप्शन मिल रहा है, आपको न्यू यूजर वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। इस वाले ऑप्शन में जैसे ही आप जाओगे दोस्तों यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन विथ डेबिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन विदाउट डेबिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन विथ आधार। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास डेबिट कार्ड नहीं है लॉगिन करने के लिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन विथ आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, नीचे वाले ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो ऊपर दोस्तों यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर डालना होगा और नीचे दोस्तों अगर आपके पास पैन कार्ड है तो दोस्तों पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो दोस्तों आप डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो अकाउंट नंबर और यहाँ पे जो है मेरे पास पैन कार्ड है और मैं यहाँ पे पैन कार्ड नंबर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर और यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों जो आपके खाते में दोस्तों जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, तो दोस्तों वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलो मेरे पास ओटीपी आ चुका है तो ओटीपी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओटीपी दोस्तों जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है आधार कार्ड का नंबर डालने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल दिया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इस बॉक्स के अंदर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो यहाँ पे आपके नंबर पे एक ओटीपी गया होगा दोस्तों, जो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। तो चलो मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू टीपिन बनाना है, ऊपर भी आपको टीपिन देना है और नीचे कन्फर्म टीपिन कह रहा है वही सेम आपको टीपिन नीचे भी आपको डाल देना है। दोस्तों टीपिन डालने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना है। सबमिट वाला ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ गया है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली योर यूजर आईडी दिस। तो दोस्तों आपका यूजर आईडी यहाँ पे निकल के आ चुका है, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। अब हमारे यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको जो है साइन इन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों पूरा काम हो चुका है, यहाँ पे आपको साइन इन करना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे साइन इन करेंगे। तो साइन इन करने के लिए दोस्तों यही आपको यूजर आईडी यहाँ पे आपको डालना होगा, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट आप ले लेना यूजर आईडी का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे देखो साइन इन वाला ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ साइन इन करके। इस वाला ऑप्शन पे क्लिक किया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोसीड टू लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो दोस्तों मैंने आपको यूजर आईडी बोला था स्क्रीनशॉट लेने के लिए वही वाला यूजर आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। आपने यूजर आईडी का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उसका यहाँ पे यूजर आईडी आप डाल देना, या फिर दोस्तों यूजर आईडी आपको अपने पासबुक में मिल जाएगा वहाँ पर भी आप देख लेना, वो यूजर आईडी यहाँ पे डाल देना। यूजर आईडी मतलब कस्टमर आईडी होता है, वो आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको साइन इन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे वेरीफाई करेगा, ठीक है, वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। तो हमारा सिम वन में है तो हम सिम वन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू करोगे आपके नंबर से एक मैसेज सेंड किया जाएगा पीएनबी बैंक को। मैसेज सेंड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो यहाँ पे कह रहा है कि इंटर वन टाइम पासवर्ड,
सेंड टू योर मोबाइल नंबर। आपके मोबाइल नंबर पर दोस्तों वन टाइम पासवर्ड गया होगा, यानी एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को दोस्तों यहाँ पे आपको डाल देना है। तो चलो मैं यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। तो कंटिन्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि न्यू एम पिन बनाने के लिए, जब आप लॉग इन करोगे तो उसके लिए आपको एम पिन डालना होगा यूजर आईडी डालने के बाद, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एम पिन बना लेता हूँ। यहाँ पे कंफर्म एम पिन पे भी सेम वही एम पिन आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। देखो मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा गया सक्सेसफुली एम पिन सेट, सक्सेसफुली हमारे यहाँ पे हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसको यूजर आईडी और एम पिन डाल के इसको लॉग इन करेंगे। तो साइन वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। यूजर आईडी ऑलरेडी हमने यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे जो अभी हमने एम पिन बनाया वो वाला एम पिन आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। और जिसके नाम से खाता होगा उसका नाम यहाँ पे ऊपर शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एम पिन डाल देता हूँ। एम पिन डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो मैं इसको सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद मेरे यहाँ पे जो है लॉगिन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे सबमिट किया एम पिन डालने के बाद। यहाँ पे देखो मेरे लॉगिन हो चुका है ये एप्लीकेशन। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मेरे यहाँ पे एप्लीकेशन लॉगिन हो चुका है, ठीक है, बिना डेबिट कार्ड बिना एटीएम कार्ड के। तो दोस्तों अगर आपको भी दोस्तों अगर आपको पीएनबी वन एप्लीकेशन यूज करना है, आपके पास एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड नहीं है, तो इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करके इसके अंदर आप जो यूज कर सकते हो इस एप्लीकेशन को। तो दोस्तों देखो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे आप कमेंट बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।